रियल न्यूज हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों का करण सुनाने की राम राम। आज एक ऐसा सेंसिटिव मुद्दा, दुखद, जिस परिवार की 17 साल की लड़की घर से गायब हो जाती है और आज तक उसका अभी कोई भी सुराग नहीं लगा है, तो उसकी दुखियारी माँ से बात करांगे कि किस तरह से, कैसे, किस प्रकार और क्यों वो घर से गायब हुई। क्या किसी प्रकार का कोई घर में कलह थी, कलेश था, या कोई और मामला है, तो पूरी जानकारी उस दुखियारी माँ से प्राप्त करांगे। सुषमा रानी जी, कहाँ रहते हो? टवाना में। टवाना कौन सा वार्ड में रहो आप? गुप्ता कॉलोनी में सर। गुप्ता कॉलोनी में। तो क्या कारण होया आपकी जो लड़की थी वह किस दिन, कैसे, क्यों गायब हुई, कहाँ से हुई? 23 तारीख थी सर। हम दोनों ऐसे ही काम करने गए थे सर। अच्छी भली घर से मेरे साथ गई है, चंगा बड़ा काम करे जी। संगम हॉस्पिटल तक कैमरे में आ रही है, देखी है हमने जाते हुए। अच्छा। तो मुड़ के नहीं पता भी वो इधर गई है या इधर गई, अब तक ना पता है। कहाँ काम करते थे आप? जिम में जी। कौन से जिम में? फिटनेस जिम में। अच्छा जी। नहर के पास। कितनी उम्र थी लड़की की? 17 साल। पढ़ते थे वो? हाँ जी पढ़ते जी, प्लस टू में। अच्छा, कौन से स्कूल में? लड़कियों वाले स्कूल में पढ़ते थे। लड़की वाले स्कूल में पढ़ते थे। क्या घर में कोई कलह कलेश था? ना जी, एक लड़के पीछे थोड़ी सी रो थी बात जी। तो उस पीछे तो मैं बोलती थी, वो लड़के ने स्कूल में किसी भी लड़की लड़की को गाली गुली दी, तो उसके पीछे इस करके जी स्कूल में से निकाल दी थी मैडमों ने जी। तो मैं आपके साथ ही रखती थी काम करने के लिए जी। तो फिर उस दिन मेरे साथ ही गई थी काम करके, मेरे को कहने लगी मम्मी तुम इधर चली जाओ चुन्नी रंगाने, तो मुड़ के आज तक नहीं मिली जी, गायब हो गई। नहीं पता। हाँ जी। क्या FIR दर्ज कराई है आपने? हाँ जी सर, कितने दिन हो गए देर की है, ये कोई उत्तर चखते हैं आगे से मेरे कोई बोलते हैं, कहते हो तो पागल हो रही है, कभी कुछ बोल जाती हैं पर कभी कुछ, एक दिन भी इन्होंने मेरे को थाने में नहीं बुलाया है, मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो ससुराल वाले आए से कल गांव से 15 दिन पीछों घर पे आएंगे, तो आगे से मेरा इल्ज़ाम ला रहे हैं, कहते जे हमारी मारती तेरे को गाँव में नहीं बढ़ने देते, तेरे को गाँव में से हम निकालेंगे, तेरे ऊपर केस डालेंगे। कौन चाहता है अभी, मैं आई थी यहाँ पर आपकी बच्ची को पढ़ाने लिखाने के लिए, मेरा घर वाला नहीं था, मेरा बेटा नहीं था, मैं आई थी तो भी चलो मेरी बच्ची मेरे साथ रहेगी, पर गांव वालों ने मेरे पे ही पुट्ठा पार किया है, कह रहे तुम यहाँ से लेगी। जब कोई गांव वाले ने मेरे को ऐसे नहीं किया, अभी हमारी लड़की जवान है भाई, तू कहाँ लेके जा रही है, तो जब तो मेरे से किसी ने भी नहीं रोका। अब सारे मेरे पे मारने तक आते हैं, पीटने को आते हैं, अब सारे शेर हो गए 15 दिन पीछों, 15 दिन हो गए घर से मेरी लड़की को गई। आपका घर वाला नहीं है? मेरे घर वाला नहीं है क्या जी, मेरा बेटा नहीं है। हाँ जी, दोनों एक्सपायर हो रहे हैं। हाँ जी। तो इब क्या मांग करते हो आप? मैं ही मांग कर दिया जी, सोरे कहते ने तेन घर नहीं मिलता, जायजात नहीं मिलती, ना सर मैनू घर की लोड़, ना मैनू जायजात की लोड़, मेरे को सिर्फ मेरी एक बेटी थी, मैनू ओदी लोड़ है, मैंने की अग लाड़े ने किले, मैंने की अग लाड़े ने वो घर, मैनू नहीं, जब मेरे हुण नहीं मेरे नाल लगे, मैंने की करने ने सर, क्योंकि मैनू सिर्फ मेरी बेटी की लोड़ है, मैनू होर कुछ नहीं चाहिए। मैं तो घर बार छोड़ के जी 1 साल पहला, 1.5 साल हो गया मैंने टवाने चाहिए नू, मैं दुख मारी उरे आ गई सी जी, मैंने उत्थे भी तंग करते सोरे बाधू जी, कदे कुछ बोलता जी उन्होंने माड़ा, कदे कुछ बोलता जी पुट्ठा सीधा बोलते सी सारा दिन, मैं इस दुख की मारी मैं उरे आ गई जी, मैंने उरे भी नहीं जीन देंदे जी, उरे आके भी मेरे पड़ोस वाले नाल आके कर बहुत कुछ बोले ने, इतों कढ़ दो इनू ऐ कर दो, बहुत कुछ बोली है जी मेरी दरानी मेरे बारे च। पिंड कितने जी? रंपरा गनोटा जी।